नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपसी ऑनलाइन अड्डा फर्स्टली यूट्यूब चैनल पर। सर दोस्तों, आपसे जानते किसी भर्ती संबंधी कोई भी सूचना होती है आपसी ऑनलाइन अड्डा फर्स्टली चैनल के माध्यम से दी जाती है। उसी क्रम में इस वीडियो में हम बात करेंगे तमाम भर्तियों की लेटेस्ट अपडेट को लेकर। जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे किसी प्रकार की ऑथेंटिक जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लगातार लॉकडाउन के चलते या फिर अगर हम बात करें कोरोना संक्रमण के चलते बहुत सारी ऐसी परीक्षाएं या फिर ऐसी भर्तियां हैं जो कि लटक चुकी हैं और कब तक ये शुरू होगी इसको लेकर अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। लेकिन ऐसे में छात्रों के लिए खुशखबरी देखने के लिए मिली है कि लगभग 7,250 पदों पर प्राइमरी साथ में TGT शिक्षकों के लिए जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो गया है। मैं आप सभी को दिखाना चाहूँगा। तो इस भर्ती के पूरे विज्ञापन की जानकारी आप सभी को दे दी गई थी कल देर शाम के वीडियो के माध्यम से। अगर आपने नहीं देखा है तो जल्दी से जाकर के देख सकते हैं और आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, क्योंकि और भी बहुत सारी जानकारियां आप सभी को देनी बाकी हैं जिससे कि आप सभी बड़ी आसानी से यहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो TGT समेत अगर हम बात करें 7,250 पदों पर जो आपको भर्तियाँ वो देखने के लिए मिलेंगी। रोजगार की तलाश कर रहे युवाओं के लिए खुशखबरी है क्योंकि DSSSB के माध्यम से लगभग 7,000 पदों पर जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी कर दिया गया है। बुधवार को इसकी जो विज्ञप्ति वो जारी होगी। DSSSB ने कहा है कि अभ्यर्थी 24 जून तक यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से, जहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। इस बार अगर बात करें 6900 शिक्षकों समेत 350 अन्य पदों पर जो भर्ती आमंत्रित की गई है, जिसके अंदर ऑल इंडिया गेस्ट टीचर एसोसिएशन ने भर्ती प्रक्रिया के अंदर अतिथि शिक्षकों को आयु में छूट देने की जो मांग है वो रखी गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं भर्ती का विज्ञापन तो जारी हो गया है। मैक्सिमम जो आयु 32 साल देखने के लिए मिलती है, लेकिन फिलहाल इसके अंदर जो छूट की मांग है वो देखने के लिए मिल रही है, जो कि अतिथि शिक्षकों के लिए दिल्ली के लिए, ठीक है। बाकी जो भी अभ्यर्थी होंगे उन सभी को अगर हम बात करें रिजर्वेशन के अनुसार तो छूट मिल जाएगी, लेकिन जो कहीं ना कहीं अनरिजर्व के होंगे उनके लिए 32 ईयर ही आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के लिए कल देर रात वाला वीडियो देखेंगे तो वहाँ पर आप सभी को पता चल जाएगा। लेकिन ऐसे में जो TGT के लिए या फिर प्राइमरी शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे थे काफ़ी लंबे समय से, अब ऐसे में आप सभी के सामने जो भर्ती का विज्ञापन है वो जारी हो गया है, जो कि लगभग 7,250 पदों पर है। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है DSSSB की भर्ती के बारे में। लेकिन अगर बात करें उत्तर प्रदेश के अंदर भी नई 97,000 शिक्षक भर्ती शुरू करने की जो मांग है वो तेज हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले लगातार नई भर्ती के लेकर छात्रों के माध्यम से बहुत सारे धरना प्रदर्शन ट्विटर पर या फिर अगर बात करें ऑनलाइन धरना भी देखने के लिए मिले हैं। अब ऐसे में छात्रों के माध्यम से उत्तर प्रदेश के अंदर भी नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन जारी करवाने के लिए छात्रों ने ट्विटर पर खोल दिया है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए यहाँ पे अभ्यर्थियों के माध्यम से जो मोर्चा है वो खोला गया है। जैसा कि आप सभी देखेंगे नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए शिक्षित बेरोजगारों की अगर हम बात करें, लगातार ट्वीट अभियान के माध्यम से योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग कर रहे कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन है वो जारी कर दें। पिछले अगर बात करें कई दिनों से प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए बेरोजगार छात्र परेशान है। ट्विटर अभियान के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर ट्रेंड करवाते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। बेरोजगार मंच की अगर बात करें जो अभ्यर्थी हैं जिनके माध्यम से यहाँ पर ट्विटर पर शुरू किया गया, जैसा कि आप सभी देखेंगे बंटी पांडे और भी तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जहाँ पर उनके माध्यम से बताया गया कि लगभग 1.5 लाख से ज़्यादा जो ट्वीट हैं वो देखने के लिए मिले थे अब से 2 दिन पहले, जहाँ पर योगी जी सुपर टेट 2 आप सभी को पता है ट्रेंड में आया था। लेकिन अब ऐसे में अगर बात करें इन छात्रों के माध्यम से एक बार फिर से आप सभी के सामने 13 मई मतलब कि आज की तारीख में देशव्यापी ट्विटर पर आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिसका हैशटैग आप सभी के सामने होगा योगी जी प्राथमिक शिक्षक भर्ती 2 रखा गया है। इस अभियान की अगर बात करें प्रशिक्षु ट्विटर पर लगातार हैशटैग का उपयोग करके सुबह 11 बजे से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो करने वाले हैं। मतलब अगर सिंपल शब्दों में समझा जाए तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सरकार के माध्यम से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर कोई तैयारियां देखने के लिए नहीं मिल रही हैं। UPPSC होने वाला था उसको भी स्थगित किया जा चुका है। तो ऐसे में छात्रों के माध्यम से आज की तारीख में एक बार फिर से नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो ट्विटर वार है वो शुरू किया गया। 11 बजे से ट्विटर वार शुरू हो जाएगा, जो कि आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, जिसके अंदर लगातार छात्रों के माध्यम से नई शिक्षक भर्ती की जो मांग है वो की जा रही है।
तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दें, व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ पे भी आप सभी जुड़े हुए हैं उन सभी अभ्यर्थी तक इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि उनको भी जानकारी मिले कि किस हैशटैग का प्रयोग करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में ट्वीट करने हैं। तो ऐसे में हज़ारों की संख्या के अंदर यहाँ पर छात्र ट्वीट करते हैं, तभी जो मुद्दा है वो आप सभी का ट्रेंड होता है। तो ऐसे में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हैशटैग का उपयोग आप सभी को एक ही करना है, जिससे कि आपका जो मुद्दा है वो जल्दी ट्रेंडिंग में आएगा। क्योंकि एक तरफ आप सभी को पता है कि DSSSB के माध्यम से नई भर्ती का विज्ञापन जारी हो गया है, आवेदन भी शुरू होने वाले हैं, तो दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के अंदर तो आवेदन भी नहीं लिए जा रहे कोरोना संक्रमण के चलते, जो कि अभ्यर्थी लगातार विरोध भी कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है LD ग्रेड के बारे में, तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा LD ग्रेड के छात्रों के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है कि संशोधित सॉफ्ट कॉपी जो है निदेशालय भेज दी गई है। कोरोना संक्रमण के बीच में UPPSC LD ग्रेड चयनितों के पक्ष में आया है। इससे पहले लगातार LD ग्रेड सामाजिक हिंदी के अंदर जो अभ्यर्थी चयनित हुए थे उनका जो इंतजार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्ट कॉपी नहीं भेजी गई थी। अब ऐसे में लोक सेवा आयोग ने LD ग्रेड शिक्षक भर्ती के सामाजिक विज्ञान साथ में हिंदी के चयनित संशोधित सॉफ्ट कॉपी शिक्षा निदेशालय भेज दी गई है। कोरोना संकट के बीच में लोक सेवा आयोग की ओर से सामाजिक विज्ञान पुरुष और साथ में अगर बात करें महिलाओं के लिए, और हिंदी की अगर बात करें जो पुरुष महिला के चयनित अभ्यर्थियों की सॉफ्ट कॉपी ईमेल के जरिए माध्यमिक शिक्षा निदेशालय को भेजी जा चुकी है। आयोग की ओर से संशोधित सॉफ्ट कॉपी भेजे जाने के बारे में जानकारी प्रतियोगी छात्रों के माध्यम से मिल चुकी है। तो ऐसे में बड़ी अच्छी खुशखबरी उन सभी के लिए जो हिंदी सामाजिक के अंदर चयनित हुए थे। अब यहाँ पे आपका जो इंतजार है जल्दी समाप्त होगा, और आगे की जो प्रक्रिया वो आपको देखने के लिए मिलेगी, जो कि नियुक्ति प्रक्रिया होने वाली है। तो ऐसे में ये तो दोस्तों बात हो जाती है LD ग्रेड छात्रों के लिए खुशखबरी के बारे में। वहीं दूसरी तरफ बात करें UPPSC की सभी परीक्षाओं के बारे में, साथ ही नए परीक्षा कैलेंडर को लेकर, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि लगातार लोक सेवा आयोग की बात करें या फिर प्रदेश की या फिर पूरे देश की तमाम परीक्षाओं को स्थगित किया जा चुका है। अब ऐसे में PCS प्रवक्ता की अगर बात करें प्रारंभिक परीक्षा को भी यहाँ पर स्थगित किया जा चुका है। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं कि 13 तारीख साथ में 20 तारीख को होने वाली दोनों परीक्षाओं को स्थगित कर दिया गया है। 13 को PCS की होने वाली थी आप सभी को बताएं, और 20 तारीख को राजकीय इंटर कॉलेज की जो परीक्षा वो आपको देखने के लिए मिली थी, तो दोनों परीक्षाएँ यहाँ पर स्थगित हो चुकी हैं। अब ये परीक्षाएं कब होने की संभावना है, इसको लेकर सवाल आप सभी के मन में रह सकता है। तो मान करके चलिए ये जो परीक्षाएं होंगी अगस्त या सितंबर के आसपास आप सभी को देखने के लिए मिल सकती हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कोरोना संक्रमण के चलते लोक सेवा आयोग की तमाम परीक्षाएं इससे पहले भी स्थगित हो चुकी हैं। अब एक नया परीक्षा कैलेंडर तैयार किया जाएगा और उसके अनुसार आप सभी के सामने जो नया कार्यक्रम है वो घोषित होगा, क्योंकि पूरा का पूरा जो परीक्षा कैलेंडर है वो यहाँ पर डगमगा गया है। अब अगर बात करें आयोग के माध्यम से UPPSC की सभी परीक्षाओं के लिए नया परीक्षा कैलेंडर जारी कर गए, नई तारीखों की जो घोषणा है वो आपको देखने के लिए मिलेगी। लेकिन कोरोना संक्रमण के चलते उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो बड़ी संख्या के अंदर कर्मचारी और साथ में अधिकारी कोरोना संक्रमित के बाद जो नियमित काम है वो ठप हो चुका है। तो मान करके चले कि मई के अंत तक या फिर जून के प्रथम सप्ताह के अंदर एक नया परीक्षा कैलेंडर जारी किया जा सकता है। बाकी जो भी अपडेट होगी लगातार आप सभी को ऑनलाइन रेफरल चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। वहीं दूसरी तरफ बात करें अपनी अगली अपडेट को लेकर, जो कि संबंधित है 69,000 कॉमन नंबर के बारे में, कोर्ट के माध्यम से यहाँ पर बड़ा फैसला सुनाया गया है। लेकिन उससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि 69,000 आंसर की और साथ में कॉमन नंबर को लेकर जो इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर मामला लगा हुआ था उसको लेकर जो फाइनल ऑर्डर है वो अपलोड कर दिया गया है। ऑर्डर की कुछ लाइनें मैंने पढ़ी हैं, हालांकि पूरा ऑर्डर नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ लाइनें पढ़ करके मुझे ऐसा लगा है कि ऑर्डर के अंदर सही तरीके से जो बहस है वो नहीं हुई है, और ना ही इस ऑर्डर के अंदर इतनी जान है कि डबल बेंच तक जाएगा, जिसको लेकर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस पर आप सभी को समझाऊंगा कि ऑर्डर के अंदर क्या क्या खामियाँ हैं और किस प्रकार आपको जो ऑर्डर है वो सुनाया गया है। लेकिन मैंने हमेशा से कहा है कि जब भी आप सभी के सामने अगर एक भी नंबर बढ़ेगा तो वो सबका बढ़ेगा, याची लाभ जैसा कुछ भी नहीं होता है। वो आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है शिक्षक भर्ती के आंसर की जो याचिका है वो खारिज कर दी गई है, क्योंकि इस मुद्दे के अंदर जो वकील थे उनके माध्यम से अपने पक्ष को सही तरीके से नहीं रखा गया, क्योंकि यहाँ पर सरकार के माध्यम से बता दिया गया कि 150 में से 142 क्वेश्चन को चैलेंज कर दिया गया। अब इसको लेकर कोर्ट को लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि छात्रों के माध्यम से सिर्फ ऐसे ही याचिकाएं डाल दी जा चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार की जो याचिका थी या सरकार के अधिवक्ता थे उनके माध्यम से बहस तो सही हुई, लेकिन जो अभ्यर्थीगण थे उनके माध्यम से कोई सही बहस देखने के लिए नहीं मिली। मैं पूरा ऑर्डर पढ़कर भी आप सभी को बता दूंगा। उसी क्रम में कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि फैशन बन गया है ठोस आधार के बिना चुनौती देना। अब इसे ही आप सभी समझ सकते हैं कि ठोस आधार नहीं दिया गया, मतलब कि क्वेश्चन के सही तरीके से जो यहाँ पर पॉइंट है वो नहीं रखे गए हैं, क्योंकि जिन क्वेश्चन को लेकर विवाद है
उन पर बहुत सारी ठोस आप सभी को पता दावे किए जा सकते थे, लेकिन जब यहाँ पे न्यायालय ने ये कहा है तो इससे पता चलता है कि यहाँ पे किसी प्रकार का कोई मामला देखने के लिए नहीं मिला है। और साथ में जो अलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर आया है वो लखनऊ के अंदर कॉपी भी नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े अधिवक्ताओं के माध्यम से जो बहस है वो देखने के लिए मिली थी और इसके अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। मतलब यहाँ पर अगर बात करूँ 79,000 की, जो अलाहाबाद हाईकोर्ट के अंदर याचिका लगी हुई थी फिलहाल उसको खारिज किया जा चुका है, जहाँ पर कोर्ट के माध्यम से कई ऐसी टिप्पणियाँ देखने के लिए मिली हैं जहाँ पे कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि आंसर की पूरे तरीके से सही है, अगर उसे कोई गलत साबित करना चाहता है तो अधिकृत दस्तावेज़ों के साथ गलत साबित करें। यहाँ से पता चल जाता है कि सही जो दस्तावेज है वो नहीं लगाए गए, इसी वजह से याचिका खारिज हो गई है। कोर्ट का कहना है कि ये आंसर की पूरे तरीके से सही है, अगर आपके पास में कोई ऑफिशियल दस्तावेज है जिसके माध्यम से आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन गलत है तो आप लोग आइए और यहाँ पर साबित करिए, अदरवाइज़ आप सभी जानते हैं कि जिस प्रकार यहाँ पर याचिका को खारिज किया गया है वो पूरे तरीके सही है, क्योंकि इसमें ना तो सही बहस हुई थी, एक दिन में ऑर्डर रिजर्व हो गया, तो आप लोग अंदाजा लगा ही सकते हैं कि इसके अंदर जो अधिवक्ताओं की कमी थी, इसके अंदर तथ्यों की कमी थी और भी बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिली हैं। तो जो लखनऊ के अंदर ऑर्डर लगा हुआ है और जो इलाहाबाद के अंदर है उसमें जमीन आसमान का अंतर है, क्योंकि वहां पर इस प्रकार के जो तथ्य वो रखे गए थे जिससे कि मामला आप सभी को पता है सुप्रीम कोर्ट तक चला गया था अभी, लेकिन लखनऊ के अंदर सुनवाइयां होना बाकी हैं। तो ये तो दोस्तों बात हो जाती है आप सभी के सामने इलाहाबाद के ऑर्डर के बारे में, बाकी एक बार ऑर्डर पढ़ने के बाद आप सभी को बताया जाएगा। वहीं दूसरी तरफ बात करें 79,000 की थर्ड चयन सूची को लेकर, मुख्य सचिव के माध्यम से जो आदेश है वो जारी किया गया है जिसके अंदर 79,000 शिक्षकों के लिए भी खुशखबरी है, तो 79,000 छात्रों के लिए भी खुशखबरी है जो थर्ड काउंसलिंग का इंतजार कर रहे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिलेगा दस्तावेज के सत्यापन के लिए मंडलीय सहायक निदेशक प्रभारी नियुक्त की अगर बात करें, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिल जाता है कि जल्द सत्यापन के लिए सभी बोर्ड विश्वविद्यालय शासन को लिखेगा पत्र। जैसा कि आप सभी देख पाए कि 79,000 शिक्षक भर्ती के अंदर लगभग अगर बात करें 64,000 शिक्षकों के जो दस्तावेजों के सत्यापन के लिए बेसिक शिक्षा विभाग ने मंडलीय सहायकों के निदेशक प्रभारी को नियुक्त किया है। साथ में बेसिक शिक्षा विभाग की ओर से विभिन्न विश्वविद्यालय सातवें बोर्डों को दस्तावेज सत्यापन जल्द से करने के लिए जो पत्र है वो लिखा जाएगा, जैसा कि आप सभी देख पा रहे हैं। साथ ही अगर बात करें दस्तावेज के सत्यापन के बाद ही जो वेतन भुगतान का रास्ता है वो साफ होगा, हालांकि कई जिलों के माध्यम से जो वेतन भुगतान कर दिए, लेकिन अगर बात की है 36,590 शिक्षकों के बारे में तो उनका यहाँ पे जो वेतन का भुगतान है वो नहीं हुआ था, तो ऐसे में उसी को लेकर यहाँ से जो चीज़ें वो देखने के लिए मिली हैं। हालांकि लगातार बहुत सारे आदेश जारी किए गए जो कि वेतन भुगतान के संबंध में हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ बात करें एक और बड़ी अपडेट देखने के लिए मिल रही है जो कि 79,000 के थर्ड चयन सूची के बारे में है। अगर आपको याद होगा तो सबसे पहले तो यहाँ पर सचिव के माध्यम से डाटा मांगा गया, उसके बाद में अगर हम बात करें महानिदेशक के माध्यम से भी डाटा मांगा गया जहाँ पर सत्यापन की मांग की गई, अब एक बार फिर से मुख्य सचिव के माध्यम से यहाँ पर जो डाटा है वो मांगा गया है। सचिव से मांगा है पत्र, जैसा कि आप सभी देख रहे हैं, अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने सहायक अध्यापक भर्ती के लिए विभिन्न कारणों से रिक्त रह गए पदों को लेकर बेसिक शिक्षा सचिव से जो प्रमाण पत्र है वो मांगा है। हालांकि ये जो डाटा मांगा गया है वो सचिव से मांगा है, ठीक है, मुख्य सचिव ने सचिव से डाटा मांगा है ना कि बीएसए से, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मुख्य सचिव के माध्यम से ही शासन आदेश जारी किया जाता है। आपको याद होगा कि रेणुका कुमार जी के माध्यम से एक कहीं ना कहीं शासन आदेश जारी किया जाएगा जिसको हम कहते हैं जीओ, ठीक है। तो ऐसे में जो गवर्नमेंट ऑर्डर होगा वो आप सभी को देखने के लिए मिलेगा जो कि परिषद के रिक्त पदों की वास्तविक संख्या के आधार पर जारी किया जाएगा, और उसके बाद में थर्ड चयन सूची यहाँ से जारी करने के लिए जो आदेश है वो सरकार के माध्यम से जारी हो जाएगा। तो ऐसे में यहाँ पर मुख्य सचिव के माध्यम से सचिव से जो डाटा है वो मांगा गया है, जिसके अनुसार यहाँ पर शासन आदेश जारी करके जो रिक्त पदों पर थर्ड चयन सूची की प्रक्रिया शुरू करने के जो आदेश हैं वो जारी कर दिए जाएं। सिंपल शब्दों में अगर आपको याद होगा 36,591,000 के अंदर जो शासन आदेश जारी हुआ था वो भी रेणुका कुमार जी के माध्यम से जारी हुआ था, तो ऐसे में सचिव को यहाँ पर बताना है कितने पद खाली हैं और कितने नहीं हैं, उसी के अनुसार शासन आदेश जारी करते हुए थर्ड चयन सूची यहाँ से जारी करने को लेकर जो आगे की प्रक्रिया वो आपको देखने के लिए मिलेगी। इससे पहले लगातार सचिव के माध्यम से बीएसई से डाटा मांगा गया है, अगर बीएसई का डाटा आ गया होगा तो एक से दो दिनों के अंदर जल्दी शासन आदेश आप सभी को देखने के लिए मिल सकता है, जो कि एक बड़ी अच्छी खुशखबरी आप सभी के लिए है। तो ऐसे में शासन स्तर पर भी जो कार्य वो शुरू हो गया है, उम्मीद है कि जल्द आपको थर्ड चयन सूची देखने के लिए मिलेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।